हाँ जी प्यारे बच्चे, सब तो पहला तो मेरे वालों आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं स्वागत करदा तुहाडा मेरी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच। जेकर तुसी साडे चैनल दे उत्ते नवें हो तां साडे चैनल दे उत्ते जुड़ो, सबसक्राइब करो तां कि तुसी मैथ अते बाकी सब्जेक्ट इस चैनल ते कर सको। इस वीडियो दे विच अज असीं 8वीं क्लास दा चैप्टर करांगे 12वां। 12वां चैप्टर करांगे, उहदी अभ्यास करांगे असीं 12.1। 12.1 एक्सरसाइज शुरू करन तों पहलां इहदे असीं सारे सवाल करवावांगे। यह एक्सरसाइज शुरू करन तों पहलां मैं तुहानूं मिनट दो मिनट दे विच बेसिक भी क्लीयर करवा दिंदा। कुछ बेसिक जाणांगे कि बेसिक की है। यह बेसिक जाणन तों बाद सानूं चैप्टर समझना बहुत ही सौखा हो जाएगा। वैसे तुसीं जिहड़े इह बेसिक्स ने पिछली क्लास के भी सीखे होणगे, परंतु एक बार रिवाइज़ कर लियो तां कि जो सवाल होणगे उह तुहानूं चंगे तरीके नाल समझ आ सकन। पहलां असीं बेसिक्स बारे जाण लैने आ। जिवें तन दी घात दो, जिहड़ा इह उत्ते अक्षर लिखिया हुंदा इहनूं असीं घात कहिंदे आ। इंग्लिश दे विच असीं इहनूं कहिंदे आ पावर, जां घात दो होवे उसनूं असीं स्केयर भी कहिंदे आ। इह हुंदी घात, इह हुंदा बेस, इह हुंदा बेस, यानी कि इह तां हुंदा आधार, इह की हो गया घात। इस नूं असीं घात अंक कहिंदे आ। घात अंक यानी कि अंक किन्ना दो हैगा, अते इह हुंदा आधार। पहलां तां इह जाण लो, यह आधार हो गया, यह घात अंक हो गया, यह तो हो गया बेसिक। तो हुण असीं जाणदे आ इहदे फार्मूले, यानी कि जिन्हां नूं असीं यूज़ करांगे इस सवालों के यही जो वीडियो होगी ये असी ये एक्सरसाइज सारी करा। वह एक्सरसाइज शुरू करन तो पहला असी कुछ ये फार्मूलों पर नज़र मार लें। वह फार्मूलों असी यूज़ करा फार वो सवालों के सवाल तो आने नहीं जेकर तो फार्मूले क्लीयर ना हो, इसलिए यह फार्मूले जरूर जाणो। पहला है जी ए दी घात दो गुणा दे विच वी दी घात तीन। इस तरीके नाल इहे ने आधार, इहे घात, जद आधार सेम होने, सॉरी इत्थे भी इही लिखो, जद आधार सेम होण तां इहे जिहड़ियां घातां ने उह जुड़ जांदियां ने। इस तरीके नाल घातां जुड़ जांदियां ने जदों आधार सेम होवे, तां असीं की लिखदे आ ए दी घात पंज। इहनूं असीं इस तरह लिख सकते हाँ। अते एक इहदा ओपोजिट भी हो सकदा है। ओपोजिट किवें, ए दी घात मन के चलो सत्त है, आधार ए है, ए दी घात सत्त है, इत्थे है डिवाइड यानी कि भाग, इत्थे है ए दी घात चार। हुण जद इत्थे डिवाइड होवे तां इह घातां ने जिहड़ियां उहनां दा घटा हो जांदा है, यानी कि माइनस कर दिंदे आ असीं, तां ए दी घात किन्नी आ जाएगी तीन। जद इत्थे भाग होवे तां घातां दा घटा हुंदा है, जद इत्थे गुणा होवे तां घातां दा जोड़ हुंदा है। ये चीज़ नूं माइंड दे विच चंगी तरह बिठा लो तां कि अगे कोई प्रॉब्लम ना आवे। उस तो बाद असीं गल करते हैं कि यह अलग अलग होण बेसिक, अते इन्हां दी घातां सेम ने। गुणा बी इहदी भी घात दो है। हुण इत्थे घातां सेम ने, आधार अलग अलग ने, तां इत्थे आधारां नूं दोनों विच इस तरीके नाल असीं लिख सकते हैं, दोनों की घात वन टाइम असी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अते यह डिवाइड दे विच भी हो सकता है, ए दी घात दो अपॉन वी दी घात दो, यानी कि भाग, यह भाग होंगे, यदा मतलब डिवाइड बटा कहने जिन्हों यदा मतलब भाग होंगे, तो यू असं की लिख सकते ए अपॉन वी दी घात दो, ए अपॉन बी दी घात दो असी इस लिख सकते हैं। जब यह दोनों की घात सेम है तो यू इस तरीके भी असी लिख सकते हैं। यह चीज़ असी अज की वीडियो यूज़ करा। एक गल इत होर सी वो भी असी जान लें, ए दी घात माइनस तीन है। जो घात माइनस तीन होवे, देखो पहला घात का मतलब देखो, घात का मतलब यह होंगे कि ए दी घात दो, इहदा मतलब असी ए नूं दो बार गुणा करना है, ए गुणा ए करना है दो बार। अते जब घात तीन होवे इहदा मतलब ए नूं असी ने तीन बार गुणा करना है। अते हुण की प्रॉब्लम आ गई, इत्थे आ गई माइनस दी घात आ गई जिहड़ी, उह घटा दी आ गई, तां बिल्कुल घबराने की लोड़ नहीं। असी ने की करना है, इहनूं प्लस दी बनाउणा, प्लस दी बनाउण लई असी की करांगे वन अपॉन लिख लाँगे। यह देखो यह की हैगा अंश के रूप च है, इहनूं हर के रूप च लिख लो, यानी कि डिनोमीनेटर के रूप च लिख लो। इस तरीके नाल एक ए दी घात तीन है, तां इहनूं इस तरीके नाल असी लिख सकते हाँ।
उम्मीद करते हैं कि यह बेसिक्स ने जो तो क्लीयर हो गए हो गए जो असं सम कराएंगे उसके यह बेसिक्स की सूँ लड़ पवेगी। इसलिए जेकर तुमने जो ये असं करवाए थे इन्हों एक बार स्क्रीनशॉट लैके भी रख सकते हो ताकि अगे कोई प्रॉब्लम ना आए तो किसी भी समस्या का सामना ना करना पवे। जेकर साडे चैनल पर नवे हो तो इस वीडियो में लाइक जरूर करो साडे चैनल सबसक्राइब जरूर करो। हुण असीं करदे हाँ जी फस्ट पार्ट फस्ट पार्ट है जी मुल पता करो फस्ट पार्ट का पहला सवाल है जी तीन की घात दिती हुई है सानू घटा दो। देखो जी ये तो होंगे कला दो तो असं सिंपल की करना सी तीन नूं गुणा कर देंगे तीन गुणा तीन नौ आंसर आ जाना सी। हुण की हो गया यह घटा की घात तो इनू जोड़ी करने लई की करांगे असीं हर दे रूप लिखांगे वन पाउंड लगा के इनू लिख लिया करो वन दे हेठा लिख दिया करो। उस तो बाद की करना है तीन गुणा तीन इनू दो बार क्यों लिखे क्योंकि इहदी घात दो सी एक वटे नौ इहदा राइट आंसर है। हुण असीं करदे हाँ जी सैकेंड सवाल बहुत ज़्यादा सौखे सवाल नहीं माइनस चार की घात माइनस दो। देखो जी हुण इह जिहड़ा माइनस चार हैगा यह तो बेस है इनू जन के आधार है तो सेम रखो तो इनू हेठा लिख लेनेगा घात को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस चार की घात दो माइनस चार गुणा माइनस चार बराबर कितना हो जाए इनके उत्ते ब्रैकेट लगा लिया करो माइनस चार कितना हो जाएगा सोलह पॉजिटिव हो गया क्योंकि माइनस से माइनस पॉजिटिव हो गए ने। जेकर यह बेसिक्स भी नहीं क्लीयर तो ये असं एक स्पैशल वीडियो बना देवे तो उम्मीद करते हैं कि तुम एट्थ क्लास के हो रहे हो यह बेसिक्स तो क्लीयर होंगे कि कदों चीज़ ऐड होंगी है कितने साइन पॉजिटिव होंगे कितने नैगेटिव होंगे। इस पार्ट का ही असं हूँ करते हैं थर्ड सवाल है जी वन पॉइंट टू की पावर माइनस फाइव एक बटे दो की घात माइनस पांच यानी कि घटा पांच। देखो जी सब तो पहला तो घात को पॉजिटिव करो ये देखो घात को पॉजिटिव करने की तरीका से तुम ये चीज़ में हेठ लाओ इस सवाल में असं दो तरीके कर दें दोनों तरीके देख लो ताकि अगे भी तुम कोई प्रॉब्लम ना आए। एक तरीका तो यह सी की कर सकते हैं इनू पहला अलग अलग लिखो एक दी घात माइनस पांच दो दी घात माइनस पांच उस तो बाद इहदी घात पॉजिटिव करने लई इहनू हेठ लैके आना पवेगा इहदी घात पॉजिटिव करने लई इहनू उत्ते लैके जाना पवेगा यानी कि दो दी घात पांच एक दी घात पांच इस तरीके नाल हो गया दो दी घात पांच मतलब दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो पांच बार असी ने गुणा करना है हेठा एक नूं असी ने पांच बार गुणा करना है। एक तां इह तरीका सी इहदी गुणा करके जिहड़ा आंसर आवेगा उह तरीका ते दूसरा तरीका देखो की हैगा ये जो बिच वाल है यदा रेसीप्रोकल कर दो यानी कि यदा उल्ट कर दो उल्ट किमें जो हर दे रूप में उन्होंने अंश बना दो जो अंश है उन्होंने हर बना दो। देखो जिमें यह सी ये ऑटोमैटिकली पॉजिटिव हो जाए जिमें टू अपॉन वन की पावर फाइव तरीका उही बन गया उत्थे जाके यही चीज़ बन जाएगी इनू सॉल्व भी कर लो पांच बार गुणा कराएं क्योंकि यदि घात पांच है एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच दो गुणा दो चार चार गुणा दो अठ अठ गुणा दो सोलह सोलह गुणा दो बत्ती बत्ती वटे एक यानी कि बत्ती इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि यह पार्ट तो समझ में जरूर आया होगा। हुण असीं चलते हाँ जी नैक्सट पार्ट के वल नैक्सट पार्ट है जिहड़ा उहदी स्टेटमेंट पढ़ो सरल करो ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਤਨਾਤਮਿਕ ਘਾਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਤਨਾਤਮਿਕ ਘਾਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤਨਾਤਮਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਫਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਫਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ माइनस चार की घात पांच डिवाइड माइनस चार की घात अठ। सब तो पहले तो यह जानो कि इतने जो आधार ने वह दोनों सेम ने सेम की ने माइनस चार यानी घटा का चार इतने घटा का चार इतने जो आधार ने वह सेम ने तो पिछे की दस्या कि जब आधार सेम होता घात अंक का की हो जाता है
जोड़ हो जाता है और जो गुणा हो तो जोड़ हो जाता जब इतने डिवाइड हो घाटा का कटा हो जाता है। देखो जी कटा करते हैं असी माइनस चार पहला बेस लिख लिया इहदियां घातां पंज दे विचों असी अठ कटा देने ने। उस तो बाद असी की करते हैं माइनस चार की घात कितनी होगी माइनस तीन। हुण देखो माइनस तीन सानू सवाल दे विच की कहा सी कि असी ने इहदी घात जिहड़ी उह पॉजिटिव बनानी है, घात जिहड़ी उहदी असी ने पॉजिटिव बनानी है। पॉजिटिव घात बनाने के लिए असी की करांगे इसनू वन अपॉन फोर लिख लवांगे इस तरीके। देखो जी घात जिहड़ी उह पॉजिटिव हो गई है, सॉरी माफ करना, इस तरीके यदि घात जी पॉजिटिव हो गई है, चार की घात जी माइनस तीन हो गई है। इसनों असं इस तरीके अगे सॉल्व भी कर सकते हैं इस तरीके वन अपॉन माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर इस तरीके असं अगे आंसर भी कढ़ सकते हैं, यह ऑप्शनल होंगे गा। वैसे सानू की कहा गया सी कहिंदे सरल करने या तनात्मक अंक घात अंक के रूप में लिखना, तनात्मक का मतलब जी घात है यदि असी पॉजिटिव लै आए हैं। हुण असी करते हाँ जी सैकेंड पार्ट का सैकेंड सवाल। सैकेंड पार्ट का सैकेंड सवाल है साढ़े को वन अपॉन टू की पावर थ्री होल स्क्वायर टू, एक बटे दो की घात तीन सारे की घात है जी दो है। देखो कि दस्या जी इतने सारे की घात हो गई कले कले की घात भी असी लिख सकते हैं, एक की घात दो दो की घात तीन की घात भी दो। उस तो बाद एक की घात चाहे कितनी हो गई वह एक बन जाता है, उस तो बाद दो की घात तीन है होल घात है जी सारे की घात है वह तीन है, तो इतने घातों की गुणा हो जाएगी दो की घात छे साडा आंसर आ जाएगा। इस तरीके देखो जिहड़ा इहदा घात अंक है वह पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है। हुण असीं चलते हाँ जी नैक्सट सवाल दे वल। अगला सवाल जिहड़ा देखण दे विच तां औखा ही लगता परंतु है बहुत ज़्यादा सौखा। देखो माइनस तीन की घात चार गुणा पंज वटे तीन की घात चार। हुण इत्थे एक गल देखो जिहड़ी तुहानूं दस के हटिया कि दोनों दी घातां सेम ने, जदों घातां सेम होण आधार अलग अलग होण तां आधारां नूं इकट्ठे लिख लो, घात नूं वन टाइम लिख सकदे आ नो प्रॉब्लम। देखो जी तीन माइनस तीन गुणा पंज बटे तीन इहदी घात किन्नी बन गई चार। हुण इत्थे असीं की कर सकते हैं तीन नाल तीन डायरैक्टली कैंसल कर सकते हैं क्योंकि यह गुणा दे विच सी, तो इतने कि आ जाए माइनस पंज की घात चार, यह साडा राइट आंसर होगा, घात अंक साडा पॉजिटिव होना चाहिए सी यह पॉजिटिव है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो तो समझ दे जरूर आ रही होगी, जेकर फिर भी तुहाडा सवाल है तो तुसीं कमेंट करके जरूर पूछो। हुण असीं हाँ जी हुण असीं करते हैं फोर्थ सवाल, सैकेंड पार्ट का फोर्थ सवाल। इत्थे साडे कोल इस तरीके नाल असीं ने स्टेटमेंट लिख ली है, इस स्टेटमेंट नूं असीं सॉल्व करन दी कोशिश करांगे। इहदे विच भाग अते गुणा दे दोनों गुणा नूं दोनों फार्मूले नूं असीं इकट्ठा यूज करांगे। इत्थे डिवाइड है जद आधार सेम होण ते डिवाइड दा साइन होवे विचकार तां असीं की करदे हां घातां दा कटा करदे हां, माइनस सत्त कटा माइनस दस, गुणा दे विच किन्ना पिया साडे कोल तीन की घात पंज माइनस पंज। हुण देखो तीन की घात असी कि लिखनी है, इनू कटा करो कटा सत्त, उस तो बाद यह कटा तो कटा की बन जाएगा जोड़ दस, ये गुणा दे विच किन्ना साडे कोल तीन की घात कटा पंज। हुण देखो की करना असी ने तीन की घात जो दस दे विचों असी सत्त कढ़ांगे तो किन्ना बच जाएगा साडे कोल तीन, गुणा दे विच तीन की घात कटा पंज है साडे कोल, तीन आधार है आधार दियां दो घातां ने किन्नी किन्नी तीन ते पंज इहनां दा की हो जाएगा जोड़, तीन की घात तीन जोड़ हो जाएगा इहदे विच पंज, पंज जोड़ने असी ने क्योंकि इत्थे आधार सी जिहड़ा उह सेम सी गुणा दे विच सी। उस तो बाद तीन की घात किन्नी बन जाएगी साडे कोल कटा दो, कटा दो है जिहड़ा इह कटा दे विच है घात अंक है जिहड़ा उह कटा दे विच है, परंतु सानूं स्टेटमेंट दे विच की कहा गया कि जिहड़ा घात अंक है उह धनात्मक होना चाहिए, इसलिए असी की करांगे इहनूं वन अपॉन थ्री लिख सकते हैं, एक बटे तीन की घात दो साडा राइट आंसर है। हुण असी चलते हाँ जी नैक्सट सवाल दे वल। अगला जो सवाल है यह भी बिल्कुल ईजी है, तुसीं बहुत ही सोहणे तरीके नाल इसनूं सॉल्व कर सकते हो। इस पार्ट का लास्ट सवाल है जी यही,
पंजवां सवाल हैगा सैकंड पार्ट का, दो दी घात तन कटा तन गुणा कटा सत दी घात भी कटा तन। तुहानू की दस्या सी शुरू दे विच कि जेकर घातां सेम होण बेस अलग अलग होण तां दोनों बेस इकट्ठे हो जांदे ने, गुणा दे विच हो जांदे ने, अते घात वन टाइम उत्ते असीं लिख सकदे हां दो गुणा कटा सत, इहदी घात कॉमन कढ के लिख सकदे हां कटा तन। हुण इहनूं सॉल्व करन दी कोशिश करांगे असीं। पहलां विच गुणा करो माइनस चौदह, माइनस चौदह की घात तन कटा तन। हुण देखो सानू स्टेटमेंट दे विच की है, जिवें तुहानू स्क्रीन दे उत्ते स्टेटमेंट नज़र आ रही है, इहदे विच की हैगा कि तनात्मक घात अंक होवे, तनात्मक मतलब एक बटे कटा चौदह हेठां लिख लाँगे, उस तो बाद इहदी घात किन्नी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो असीं अंश नूं हर बनाने, हर नूं अंश बनाने तो घात का जिहड़ा साइन है वह चेंज हो जाता है, जेकर वह कटा दे विच तां जोड़ दे विच हो जाती है, जेकर जोड़ दे विच तां वह कटा दे विच हो जाती है। हुण इत्थे जिहड़ा चौदह है वह अंश दे रूप च सी, इत्थे असीं हर बनाता यानी कि एक बटे लगा के लिखता तो जिहड़ा घात है वह पॉजिटिव हो जाएगी, तनात्मक हो जाएगी। हुण असीं चलदे हाँ जी थर्ड पार्ट दे वल। थर्ड पार्ट है जी साडे कोल मुल पता करो, मुल पता करो ये पार्ट है। इहदा फस्ट सम है साडे कोल तन दी घात जीरो जोड़ चार दी घात कटा एक गुणा दो दी घात दो। इहनू असीं ने हुण सॉल्व करना है। सब तो पहले असीं की करांगे जो पॉजिटिव ने वो तो पॉजिटिव तो सेम लिख लो, अते जो नैगेटिव घात अंक ने यानी कि ऋणात्मक घात अंक ने उन्हां नूं असीं की करांगे पॉजिटिव बनावांगे। तन दी घात जो किसी भी अंक की घात जीरो होवे तां उह वन बन जांदे ने, इहनूं वन डायरैक्ट ही लिख लो। तो इहनूं कितना लिख सकते हैं एक बटे चार गुणा दो दी घात दो। इस तरीके नाल असीं इहनूं सॉल्व कर सकते हाँ। हुण देखो जी इत्थे इहदा जिहड़ा लल्ला सवा वा उह चार आ जाएगा, तो इत्थे किन्ना बनेगा चार प्लस एक गुणा दो की घात दो, पंज बटे चार गुणा दो की घात दो किन्ना बनेगा चार, चार नाल चार कैंसल हो गया साडा जिहड़ा फाइव है वह राइट आंसर आ गया है। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल तुहानूं समझ दे जरूर आया होगा, बहुत ज़्यादा सौखे सवाल ने, तुसीं सारे सवाल करन दी कोशिश जरूर करया करो, नाल दी नाल तुसीं कापी पेन लैके जरूर बैठना हुंदा तां कि सवाल तुसीं उतार सको, जां वीडियो नूं बैक करके तुसीं देख सकदे हो। हुण असीं चलदे हाँ जी नैक्सट सवाल दे वल। थर्ड पार्ट दा सैकंड सवाल है साडे कोल तन दी घात सत, सॉरी माफ करना जी दो दी घात कटा एक गुणा चार दी घात कटा एक, इत्थे भाग करनी असीं ने दो दी घात कटा दो। देखो जी मैं इसते इस साइड ते की साडे कोल भाग हैगा, हुण इहदे विच देखो असीं ने की करना सी, ओह जिहड़े असीं ने तरीके शुरू दे विच मैनशन किते सी कि जद की होवे गुणा होवे तां घातां जुड़ जांदियां ने, जदों ओह होवे भाग होवे तां की हो जांदे ने घातां दा कटा हो जांदा है, तां ओह तरीका असीं इत्थे वरतांगे। कदों वरतांगे? जदों साडे कोल जिहड़ा आधार है ओह बराबर होवे, तां इत्थे आधार बराबर करन दी कोशिश करांगे। दो दी घात एक सेम लिख लो, ये जिहड़ा चार है इहनूं असीं की लिख सकते हैं दो दी घात दो भी लिख सकते हैं, दो दी घात दो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इहदे विच, तां कटा दो दी घात भाग दो दी घात कटा दो, दो दी घात कटा एक गुणा यह जिहड़ियां घातां ने इहनां दी गुणा हो जाती है तो दो दी घात किन्नी आ जाएगी कटा दो भाग दो दी घात कटा दो। हुण देखो इत्थे गुणा है आधार सेम ने तो घातां दा की हो जाएगा जोड़, घातां दा जोड़ कटा एक कटा दो, इहनूं भाग करना है दो कटा दो, दो दी घात कटा दो। देखो जी दो दी घात हो जाएगी कटा तीन, इहनूं डिवाइड करना है दो दी घात कटा दो। देखो जी इत्थे जिहड़ा भाग है आधार सेम है तो इत्थे की होगा घातां दा कटा हो जाएगा कटा तीन कटा कटा दो बराबर है
दो की घात कि बन जाएगी साढ़े को जोड़े ने दोनों साइन ने वह मिल के पॉजिटिव बन जाएंगे तो तीन जोड़ दो की घात साढ़े को एक आ जाएगी क्योंकि जोड़ा तीन है वह व्डा है ये छोटा है तो साइन घटा दएगा तो तीन के जब असं दो कड़ते हैं तो साढ़े को एक आंसर आ जाता है। इस तो बाद जी घात है इसको असं पॉजिटिव बना सकते किमें वन पौन टू लिख के। उम्मीद करते हैं कि यह भीडियो तुम्हें पसंद जरूर आ रही होगी। इस भीडियो लगातार जुड़े रहो। तीसरा सवाल है तीसरे पार्ट का तीसरा सवाल है साढ़े को एक बटे दो दी घात घटा दो जोड़ एक बटे तीन दी घात घटा दो जोड़ एक बटे चार दी घात घटा दो घटा है तन दे विच दोनों दे विच सारियां दे विच घटा है। हुण देखो जी इत्थे असीं की कर सकते हैं पहला तो असीं घात नूं पॉजिटिव करो घात नूं पॉजिटिव करन लई की कर सकते असीं देखो घात अलग अलग करके की कर सकते हैं हर नूं अंश बना सकते हैं अंश नूं हर बना सकते हैं जां तरीका की दस्सिया तुहानूं डायरैक्ट उहनूं उल्ट कर दिया करो जेकर उह प्रमेय संख्या दे रूप विच होवे तां असीं उस नूं डायरैक्ट उल्ट कर सकते हैं। देखो जी किवें इहनूं असीं लिख सकते हैं दो बटे एक इहदी घात किन्नी बन गई दो जोड़ तीन बटे एक इहदी घात किन्नी बन गई दो देखो इहनूं उल्ट कर रहे हैं असीं इहदी घात किन्नी बन गई दो इस तरीके नाल। हुण असीं यह जी घात है इनू बिच अपलाई करते हैं किस तरीके असं खोलते हमने इनू दो गुणा दो एक गुणा एक तीन गुणा एक इतने देखो घात दो हो दो बार लिखना तीन हो तीन बार जिनी घात हो उन्नी बार असं इनू लिखना होंगे चार गुणा चार एक गुणा एक चार गुणा चार सॉरी दो गुणा दो चार चार बटे एक तीन गुणा तीन नौ नौ बटे एक चार गुणा चार सोलह सोलह बटे एक उस तो बाद असं की करते हैं चार जोड़ नौ जोड़ सोलह बराबर है सोलह तो नौ पच्ची पच्ची चार उन्ती उन्ती साडा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल तुहानूं समझदे जरूर आ रहे होणगे। हुण असीं चलते हाँ जी नैक्सट सवाल दे वल। अगला सवाल है जी साढ़े कोल वह भी बहुत ज़्यादा सौखा है तुसीं ने यह सवाल खुद ट्राई करना है जेकर फिर भी तुहाडी कोई दिक्कत होई तां तुसीं सानूं कमेंट करके दस सकते हो। उस तो बाद असीं डायरैक्ट तुहानूं फिफ्थ सवाल करा दिंदे आ। एक सवाल है जिहड़ा इह तुहाडे लई रख्या सी ने फोर्थ सवाल जिहड़ा हुण असीं फिफ्थ सवाल करावांगे डायरैक्ट तुहानूं। एक दो सवाल जिहड़ा तुहानूं उह होमवर्क दे रूप विच वी असीं दिया करांगे होमवर्क के रूप में तुसीं प्रैक्टिस जरूर करा करो बाकी आल सवाल ने जो असीं करवा ही देवांगे अते जो सवाल तुहानूं होमवर्क के लिए देवांगे वह तुसीं जरूर ट्राई करो। पंजवां सवाल है साढ़े कोल घटा दो बटे तीन इहदी सारे की घात है जिहड़ी उह घटा दो है उस तो बाद इहदी सारे की घात फिर तो दो है पहला बिच वाली घात नूं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो या फिर इन्हों डायरैक्ट गुणा कर सकते हैं। असीं देखो दो घटा दो बटे तीन इहदी घात घटा चार हुण देखो जी एक घात नूं पॉजिटिव करने लई असीं की कर सकते हैं बिच वाले नूं उल्ट कर सकते हैं तीन बटे घटा दो इहदी घात किन्नी बन गई चार उस तो बाद यह घात नूं बिच अपलाई करो किवें इहदी घात चार है तो तीन नूं किन्नी बार गुणा करना पवेगा चार बार गुणा करना पवेगा इस तरीके नाल। हुण देखो जी तीन गुणा तीन नौ नौ गुणा तीन सताई सताई गुणा तीन इक्यासी दो गुणा दो चार चार गुणा दो अठ अठ गुणा दो सोलह इस तरीके नाल साडा यह आंसर आ गया है। उम्मीद करते हैं कि यह भीडियो तुहानूं पसंद जरूर आ रही होगी अते सारे सवाल ने इहदे उह समझ दे विच आ रहे होणगे। हुण असीं चलते हाँ जी फोर्थ पार्ट दे वल। फोर्थ पार्ट है साढ़े कोल मुल पता करो इहदा फस्ट सम है जो साढ़े कोल ओह है अठ की घात घटा एक गुणा पंज की घात तीन दो की घात घटा चार इस सम नूं असीं बहुत ही वधिया तरीके नाल सॉल्व करावांगे तुहानूं बिल्कुल सौखा होवेगा तरीका
सब तो पहले जो घात पॉजिटिव है उन्होंने नैगेटिव कर लो अते जो नैगेटिव है उन्होंने पॉजिटिव कर लो या फिर यह तरीका वरत लो कि जो पॉजिटिव हेठा ने देखो जो हेठा घात ने उन्होंने उत्ते लै जाओ देखो जी अठ की घात एक इस तरीके असी इन सॉल्व कर सकते हैं। इतने देखो ये जी घात की सी नैगेटिव सी इन पॉजिटिव बनाने लिए उत्ते लै गए हूँ इन सॉल्व करो अगला स्टैप होएगा इनू हूँ पॉजिटिव बनाओ इस तरीके हूँ इनू किमें लिख सकते हैं असी पांच गुणा पांच गुणा पांच दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो हेठा कि साढ़े को अठ पांच गुणा पांच पच्ची पच्ची गुणा पांच एक सौ पच्ची गुणा दो चार चार गुणा दो अठ अठ गुणा दो सोलह सोलह बटे अठ ये देखो हूँ ए अठ नाल ही सोलह कट के दो आएगा तो कि आ जाए एक सौ पच्ची गुणा दो बराबर एक सौ दो सौ पचास साडा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो तुहानू पसंद जरूर आ रही होगी। पंज की घात घटा एक गुणा दो की घात घटा एक गुणा छे की घात घटा एक देखो जी इत्थे गल की बनेगी असी जो नैगेटिव घात ने उन्होंने पॉजिटिव बनाने की कोशिश करांगे पॉजिटिव उन्होंने कि बनावांगे हेठा लैके आओ पहले इन्हों एक बटे पंज एक बटे दो गुणा एक बटे छे बिल्कुल सिंपल हुण इन्हां नूं गुणा करो दस गुणा एक बटे छे हुण इन्हां नूं गुणा करो इन्हां नूं जदों असीं गुणा कर दिंदा सिंपल गुणा हो जाती है जोड़ घटा जिहड़ा उह एलसीएम लै के करना हुंदा हैगा एक बटे सठ साडा राइट आंसर होवेगा। हुण असीं चलदे हाँ जी नैक्सट पार्ट दे वल अगला पार्ट है जिहड़ा बिल्कुल सौखा हैगा एम दा मुल पता करो जिस दे लई पंज की घात एम डिवाइड पंज की घात तीन बराबर पंज की घात पंज है यदि स्टेटमेंट तो हम स्क्रीन के उत्ते नज़र आ रही है पंजवा पार्ट है जरा इको सम है पंजे पार्ट का एम का मुल पता करना है पंज की घात एम है साढ़े को डिवाइड करने पंज की घात तीन है साढ़े को घटा तीन बराबर पंज की घात पंज है देखो जी जब घटा होवे सॉरी इत्थे जब जोड़ होवे हुण असीं करदे हाँ जी पंजवा पार्ट की सी साडे कोल पंज दी घात एम डिवाइड पंज दी घात घटा तीन बराबर पंज दी घात पंज यह साडी स्टेटमेंट दित्ती हुई है सानू पंजवें सवाल की इहनू असीं की करना है जब आधार सेम होण अते डिवाइड होवे तां घातां दा की हो जांदा घटा हो जांदा है पंज की घात पंज देखो हुण इत्थे बेस दोनों पासे सेम ने इहदा मतलब यह घात है जिहड़ी इहदे बराबर है यानी कि एम घटा तीन बराबर कहते हैं पंज दे हुण इहदे विच एम दा मुल कि पता करांगे पंज यह जिहड़ा तीन है इत्थे कहते घटा दा इस साइड ते की हो जाएगा जोड़ दा एम दा मुल साडे कोल किन्ना आ जाएगा अठ इस तरीके नाल साडा पंजवां पार्ट भी कंप्लीट हो गया है हुण असीं करदे हाँ जी सिक्स्थ पार्ट सिक्स्थ पार्ट जिहड़ा इह बिल्कुल ईजी हैगा इहदे विच असीं मुल पता करना है एक बटे तीन की घात घटा एक घटा एक बटे चार की घात घटा एक अते इहदी होल सारे की जिहड़ी घात है वह भी घटा एक है इस तरीके नाल असीं इहदा मुल पता करना है कि इहनू सॉल्व करके किन्ना आवेगा सरल करना असीं इहनू कहिंदा वा सॉल्व करिए इनू हल करिए कि यह सॉल्व हो सके एक बार असं स्टेटमेंट मिला लें क्योंकि थोड़ी चीज़ का भी कई बार बहुत बड़ा डिफरेंस रह जाता है एक बटे तीन की घात घटा एक माइनस एक बटे चार की घात घटा एक तो होल की घात घटा एक देखो जी यह जो घात है वह ऋणात्मक है यानी कि नैगेटिव है घटा का साइन है इनू पॉजिटिव बनाने लिए जोड़ का निशान बनाने लिए असं की करेंगे बिच वाली संख्या का रेसीप्रोकल कर देंगे यानी कि वह उल्ट कर देंगे तीन बटे एक की घात एक घटा चार बटे एक की घात एक सारे की घात एक घटा एक फिलहाल इनू इस तरह लिख लो बिच वाले सॉल्व करो
तन चार। देखो जी तन की घात एक, तन एक की घात एक एक, इनू हेठा असं लिखिए चाहे ना लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका कि आ गया चार, यदि सारी की घात कि घटा एक। हूँ देखो इनू घटा कर कि घटा एक, घटा एक की घात घटा एक, इनू असं कि लिख सकते हैं इस तरीके कि जी घात वह पॉजिटिव हो जाए। ठीक है जी, इस तरीके जो आंसर है वह एक आ जाएगा घटा का। इस तरीके असं यह सवाल सॉल्व करने से हूँ असं करते हाँ जी लास्ट सवाल। लास्ट पार्ट हैगा सैवनथ पार्ट है जो पच्ची गुणा टी की घात घटा चार, पंज की घात घटा तीन, गुणा दस गुणा टी की घात घटा अठ। इनू असी ने सॉल्व करना है, सरल करना है, यानी कि इनू जिन्ना सॉल्व कर सकते उन्ना करना है, जिथे तक तुसी कर सकते हो उत्थे तक कर लियो। देखो जी यह जो घात है इतने की हैगी नैगेटिव है, यह भी हेठा नैगेटिव है, इनू उत्ते वल ले जा सकते हैं तो यह की हो जाएगी पॉजिटिव, यह भी उत्ते जाके पॉजिटिव हो जाएगी। एक तरीका तो यह भी है करन दा, एक तरीका होर भी है। देखो इनू पच्ची असी की लिख सकते हैं, पच्ची असी की लिख सकते हैं पंज की घात दो गुणा टी की घात घटा चार, यह जरा उत्ते वाल ले जाओ प्लस अठ बन जाएगा गुणा पंज की घात भी तीन बन जाएगी, हेठा कि बच गया साढ़े को दस। देखो एक बार दोबारे सुन लो, जो पं पच्ची से इनू पंज की घात दो लिख सकते हैं लिख लिया, यह सेम सी सेम लिख लिया। उस तो बाद पंज की घात जी वह घटा तीन है, उत्ते ले जाके असं की करांगे पंज की घात जी वह पॉजिटिव बन जाएगी प्लस का तीन बन जाएगा, टी की घात जी वह घटा अठ है, तो उत्ते जाके बन जाएगी जोड़ का अठ बन जाएगा। उस तो बाद असं इनू सॉल्व करते हैं, इनू पंज की घात तन दो पई है इतने तीन पई है, जो आधार सेम होगा तो गुणा हो विचकार घातों का जोड़ हो जाता, यानी कि दो तीन असी जोड़ दें गुणा टी की घात चार है, टी की घात अठ है, घटा चार जोड़ अठ बटे दस, पंज की घात पंज गुणा टी की घात चार बटे दस। इनू इस तरीके असी कर सकते हूँ, असी अगे भी इन सॉल्व कर सकते जेकर तुम इतें रख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जेकर तुम इस तरीके अगे इन सॉल्व करना चाहते हो पंज नू पंज बार गुणा करके तो भी इन सॉल्व कर सकते हो नो प्रॉब्लम। इस तरीके इनू सॉल्व कर सकते हो पंज गुणा पंज इस तरह इनू गुणा करके भी कर सकते हो, जेकर तुम इतने तक भी ये सवाल रख कर दवोंगे तो भी तुम्हें कंप्लीट नंबर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं, क्योंकि सानू स्टेटमेंट के इनू सरल करना है, यह सरल हो गई है। सैवनथ पार्ट का जो सैकेंड सवाल है तो इस वीडियो का लास्ट सवाल है उस वल वधदे हां असीं। तन की घात घटा पंज गुणा दस की घात घटा पंज गुणा एक सौ पच्ची बटे पंज की घात कट, ये स्टेटमेंट तो स्क्रीन के उत्ते इस तरीके नज़र आ ही रही है। हुण असीं इहनूं सॉल्व करदे हां, यह जिहड़ा सवाल है देखण दे विच थोड़ा जिहा वड्डा लग रहा है परंतु है बहुत ज़्यादा सौखा, अते इहनूं सौखा जेकर नहीं भी तां असीं ने बना लैणा है क्योंकि असीं मैथ करन दे शौकीन हाँ। देखो जी तीन की घात घटा पंज गुणा दस नूं असीं की लिख सकते हैं पंज गुणा दो लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। पच्ची एक सौ पच्ची इनू असीं पंज की घात तीन लिख सकते हैं क्योंकि पंज गुणा पंज पच्ची, पच्ची गुणा पंज एक सौ पच्ची, यानी कि इनू पंज की घात कितना लिख सकते हैं असीं तीन। पंज की घात सत्त, छे की घात छे नूं असीं कितना लिख सकते हैं दो गुणा तीन, जिहड़े असीं ने फार्मूले शुरू में दसे से वह सारे लगभग इत्थे इंप्लीमेंट हो जाएंगे। देखो जी
तीन की घात कटा पांच गुणा पांच की घात इनू देखो अलग अलग लिख सकते हैं पांच की घात कटा पांच दो की घात कटा पांच गुणा पांच की घात तीन यह जो इतने घातें हेठां का दीगी नैगेटिव है उत्ते जाके पॉजिटिव बनाओ पांच की घात सत्त यह पांच की घात सॉरी दो की घात कटा पांच से उत्ते जाके दो की घात कि बन जाएगी पांच यह कि बन जाएगी तीन की घात पांच इस तरीके हेठां तो सारा कुछ चला गया उत्ते वाले हुण असीं इहनूं सिंपल सॉल्व करना है तीन देखो तीन कितने कितने तीन की घात पांच है तीन की घात की हैगी पांच तीन की घात कटा पांच जदों आधार सेम हो घातक कर जांदियां ने जुड़ जांदियां ने इहनूं जोड़ के कि आ जाएगा जीरो जिहनूं असीं वन कह दिंदे आ हुण इत्थे पांच की घात पांच है पांच की घात होर की है साडे कोल पांच की घात कटा पांच जोड़ पांच की घात होर किन्नी है साडे कोल तीन पांच की घात होर किन्नी है साडे कोल सत्त उस तो बाद गुणा दो की घात साडे कोल किन्नी है कटा पांच दो की घात साडे कोल किन्नी है पांच इस तरीके नाल कर सकते हैं रिहा तो नहीं कोई ठीक है जी देखो एक गुणा पांच की घात जोड़ो इन्हों सारे दस दस चो पांच का जी पांच पांच की घात किन्नी रह गई पांच गुणा दो की घात पांच दे विच पांच गए जीरो दो की घात जीरो जो किसी चीज़ की घात जीरो हो बन लिख दें इन पांच बार गुणा कर लो एक दो तीन चार पांच इनू बन लिख सकते हैं इन जब तुम गुणा कर लोगे तो राइट आंसर आ जाएगा उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो तुम्हें पसंद जरूर आ रही होगी जेकर तुम साडे चैनल के उत्ते नवे हो तो साडे चैनल में सबसक्राइब जरूर करो इस सम का जो आंसर है वह तुमने सॉल्व करके सानू कमेंट बॉक्स के जरूर देना है।